हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मिक्स वेज की रेसिपी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में मिक्स वेज बनानी। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट ली हैं। सबसे पहले ये मैंने बीन्स ली है बारीक बारीक काट के। ये आलू देखिए छोटे छोटे पीस करें आलू के भी। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे इस तरह से पीस में काट लिया है। ये मैंने गोभी, गोभी को भी छोटे छोटे पीस। ये मैंने मेथी ली है जो मैंने सर्दियों में सुखाई हुई रखी हुई है, या फिर आप कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं। ये टमाटर है, टमाटर को भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने। तो मेरी सारी सब्ज़ियाँ चॉप हो गई हैं। तो अब ये मैंने फ्राई करने के लिए मेथी दाना, करी पत्ता, तेज़पत्ता और जीरा लिया है। मेथी दाना मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने गोभी भी डाली, और गोभी को हम मोस्ट ऑफ दी सभी मेथी दाना से ही फ्राई करते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है, और मैं इसमें पकने के बाद तेल को इसमें मैं अपने ये करी पत्ता, जीरा और ये चीज़ें छोड़ दूँगी। जब ये थोड़ी सी चटक जाएंगी तब उसके बाद हम इसमें सबसे पहले छोड़ेंगे अपने आलू। तो ये हमारी चटक गए हैं, तो अब हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। अब आलू ऐड करने के बाद हम इसको बराबर चलाएंगे। आलू सबसे पहले मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आलू सारी सब्ज़ियों से सबसे ज़्यादा देर में गलते हैं, बाकी सारी सब्ज़ियाँ हमारी जल्दी पक जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें आलू फ्राई करने हैं। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब उसके बाद हमें इसमें हल्का सा नमक डालना है। ये देखिए अब ये आलू हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी गोभी ऐड करेंगे क्योंकि गोभी भी थोड़ी सी देर से पकती है हमारी। शिमला मिर्च और बीन्स तो हमारी बहुत जल्दी पक जाएंगी, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा देर से गलने वाली सब्ज़ियाँ वो आपको सबसे पहले ऐड करनी है। ये देखिए मैंने गोभी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके गोभी को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे आलू के साथ, तब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। अब मैंने ये मसाले डाल दिए हैं। मैंने इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है। देखिए मसालों की क्वांटिटी सभी को पता होती है, इसलिए मैं मसालों की कोई क्वांटिटी आपको नहीं बताती हूँ। अब इसमें हम बीन्स ऐड कर देंगे। अब बराबर चलाते हुए देखिए हमारे बीन्स अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने सबसे स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाले क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और उनका पानी निकल जाता है, तो सब्ज़ी हमारी चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए टमाटर बीच में ऐड करने हैं। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसे धीमी धीमी आँच पर पकाना है, ये तेज़ आँच पर नहीं बनेगी। तेज़ आँच पर ये जल जाएगी और इसमें वो टेस्ट भी नहीं आएगा। कोई भी सब्ज़ी है जब आप उसे मंदी मंदी आँच पर पकाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। ये मैंने अब इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। तो कसूरी मेथी और शिमला मिर्च दोनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए लगभग हमारी सब्ज़ी तैयार सी है, फिर भी इसको हम थोड़ी देर के लिए प्लेट ढककर भाप लगाएंगे। अब ये मैंने ढककर बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। ये मंदी मंदी आँच पर 5 से 7 मिनट पकानी है आपको, उसके बाद इसे चेक करते हुए चला लेना है। सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सब्ज़ी हमारी चिपचिपी हो जाएगी, घुट जाएगी। तो सब्ज़ी हल्की सी खड़ी रखनी है जिससे कि ये खिली खिली बिल्कुल अलग अलग बनेगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम हींग। ये देखिए हींग मैं लास्ट में ऐड करती हूँ जब सब्ज़ी हमारी तैयार होने वाली होती है, क्योंकि इससे हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो सबसे लास्ट में उसमें हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक गरम मसाला और दूसरा अमचूर पाउडर। गरम मसाला और अमचूर पाउडर से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए अमचूर पाउडर मिक्स कर दिया है मैंने। अब ये गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास कटा हुआ बारीक धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज जितनी सब्ज़ियाँ थी मैंने उन्हीं से आपको मिक्स वेज बनानी दिखा दी। मिक्स वेज में सबसे मेन गोभी और बीन्स होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी अब तैयार है।
इसके साथ आप चाहे तो पूरी, पराठा, रोटी, जो भी मन करे वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।